Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. ऐसा मुमकिन नहीं यार सर, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। अगर मिशेल को जरा भी शक हो गया ना, कयामत आ जाएगी। नजमा, मेरे ख्याल में बरसर को फैसला कर ही लेना चाहिए कि उसे किसके साथ रहना है। फिरोज, जब दिल मुतमईन और खुश हो ना, तो हर बात खुद ब खुद सही होती जाती है। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत सुकून नजर आ रहा है। मामा, मेरे ख्वाब की ताबीर इतनी भयानक क्यों निकली? मैं तो शेजा को इतने अरमानों से लेकर गई थी, लेकिन वो तुम्हारे घर को अपना घर बनाने के ख्वाब लेकर तुम्हारे साथ गई थी। मामा, शायद ऐसा ना हो, शायद मैं ही बदल गई हूँ। मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत, मेरे एहसास सिर्फ अरसल के गिर्द घूमते हैं अब बस। उसमें क्या बुराई है? वो मियाँ है तुम्हारा। मामा, सच तो ये है कि जिसा रिजर्व रहती अरसल से, अरसल की उस पर तवज्जा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये तो फितरी बात है, कोई बीवी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मामा, मैं क्या करूं? हर टाइम शिजा को हर्ट करती रहती हूँ। शादी के बाद सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं दिया उसको मैंने। ये की उम्मीद है, चाहे दरअसल अगर शिजा को तलाक दे दो तो मुझे मेरी दोस्त वापस मिल जाए। अंकल, आप तो जानते हैं कि बेवकूफी के बाद अगर किसी लड़की पर तलाक का ठप्पा भी लग जाए तो हमारा माशरा उसके साथ क्या सलूक करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी, कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। फिरोज, तुमने बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। बस भाभी, वो कुछ मसरूफियत ही ऐसी थी, लेकिन आपने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया। हाँ अरसल, क्या बात कर रहे थे तुम? कल मुझे आंटी ने मशवरा दिया है कि मैं शिजा को हमेशा के लिए छोड़ दूं। भाभी, कमाल करती हैं आप, अपनी बेटी का घर बसाने के बजाय बिगाड़ने की बात कर रही हैं। मेरी बेटी का घर बसा ही कब था फिरोज? जिस दिन से ये वहां गई है, मिशेल ने इस पर जिंदगी तंग करके रख दी है। हर रोज एक नया दुख, नई अजियत। आखिर कब तक मेरी बच्ची सहेगी? लेकिन आंटी, मैं हूं ना शिजा के साथ, और वैसे भी अगर शोहर की सपोर्ट, उसकी मोहब्बत बीवी के साथ हो तो उसे किसी बात का डर नहीं होता। असल, आई थिंक तुमने कुछ ज्यादा ही सपोर्ट और मोहब्बत दी थी, इस वजह से ये रिएक्शन है उसका। नहीं अंकल, मैं मिशेल का भी इतना ही ख्याल रखता हूँ। मैं ड्यूटी की तरह ख्याल रखने की बात नहीं कर रहा सर, दिल की गहराइयों से ख्याल रखने की बात कर रहा हूँ। देखा फिरोज, बेटी का दुख ऐसे ही महसूस होता है दिल पर। नहीं भाभी, मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां एक जैसी हैं। अब ये मुझसे दूर हो रही है ना, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। फिरोज चाचा, आप फिक्र मत करें, मिशेल ने मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियों की खातिर जो कुर्बानी दी उसका भरम रखूंगी। जीती रहो बेटा, खुश रहो।
आखिर ये पापा कब आएंगे और कितना इंतजार करूं मैं इनका? पता नहीं, बता के नहीं गए। मैं कॉल करके देखती हूँ। करे आसमा का फोन आ रहा है। आई थिंक मिशेल पहुंच गई होगी। अंकल प्लीज आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैं भी यहाँ पे हूँ। अरे यार मैं तो उसको ये नहीं बताऊंगा कि मैं शिजा की तरफ हूँ। तुम अपनी बात कर। एक्सक्यूज मी आसमा। हाँ बस पहुंच रहा हूँ मैं। मिशेल को इंतजार करें मेरा। ओके। कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आ रहे हैं। और हाँ मिशेल, अगर वो तुम्हें शिजा को वापस बुलाने का कहें तो तुम दो टोक उन्हें मना कर देना। वो क्यों ऐसे कहेंगे? भला उन्हें शिजा मेरे से ज्यादा अजीज है। हाँ यार फहीम, जॉब का बंदोबस्त तो अल्लाह ने दादी के जरिए करा दिया है, लेकिन जितने पैसों की मुझे उम्मीद थी उतने वसूल नहीं हुए। भाई वो आदर तुझे बेवकूफ बना रहा है। वो कैसे? कहाँ हो तुम? वहीं चाय के होटल पे आ जाओ। बाबा की बेटी कितने दिनों के बाद आई है। जैसे आप दोनों तो बहुत आते ना मिलने। चलो तुम बाप बेटी बैठ के गपशप मारो, मैं चाय ले आती हूँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? समथिंग रॉन्ग? पापा पहले मैं आपकी कही हुई बातों की गहराई को नहीं समझ सकती थी। मुझे आपकी कही हुई एक एक बात याद आती है। देखो बेटा, जिस बात में किए हुए फैसलों का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। लेकिन अब आप मुझे कोई मशवरा देना, मैं क्या करूं? शिजा से रोज बरोज दूर होती जा रही हूँ। इस तरह से तो शादी हमारी दोस्ती को खा जाएगी पापा। देखो मिशन, मशवरा तो तुम मेरा मानोगी नहीं। बताओ क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ शिजा मेरे घर वापस ना आए, अरसिल से तलाक ले ले। मैं शिजा को सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त और हारिस भाई की बीवी देखना चाहती हूँ। ये अरसिल यहां से कब जाएगा? खुदा की कसम, अगर फेरोज को जरा भी अंदाजा हो जाता ना कि अरसिल तुम्हें लेने के लिए नहीं बल्कि रूटीन में मिलने के लिए यहाँ आया है तो बहुत गजब हो जाता। जी अम्मी, उस वक्त भी उनका अरसिल के साथ लहजा बहुत तल्ख था। मैं कितना मना करती हूँ उन्हें लेकिन उन पर किसी भी बात का असर ही नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना होगा। कितना दीवाना है वो तुम्हारे लिए। अगर आज तुम चाहो ना तो मिशेल को तुम्हारे लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी तंग आ गया ये दोहरी जिंदगी जीते हुए। लेकिन मैं उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं इतनी घिरी हुई नहीं हूं अम्मी कि मैं मिशेल की मोहब्बत, उसकी कुर्बानी का ये सिला दूं कि उसे बेमौत मार दूं। ये कौन सी कुर्बानी है भाई कि जिसमें उसने तुम्हें सिवाय अजियतों और तकलीफों के कुछ भी नहीं दिया? अम्मी शुरू में सब ठीक था, बिल्कुल वैसा था जैसा मिशेल चाहती थी। हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, बचपन में चले जाते थे। काश अरसिल की दीवानगी मिशेल के लिए होती। मेरे लिए तो सिर्फ हारिस की यादें और मिशेल की दोस्ती ही काफी थी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारने नहीं दूंगी। वो मिशेल तो वहां अपने ससुराल में इज्जत से रहे और तुम यहां अपने मेके में सबसे छुपकर शोहर से मिलो। फिलहाल मैं अरसिल से जाने का कहती हूँ, ये ना हो कि नजमा आंटी आ जाए। नजमा
फादर साहब तुम्हें चूना लगाते रहे इतने दिन से, थोड़ी सी रकम और मामूली सी नौकरी का लालच देकर 5 लाख रुपए हैंड लिए है मोहतरम ने। बाहर में गई ऐसी नौकरी जो धोखा देगी, पना मैंने दी दादी को और फायदा वो उठाएगा। 5 लाख मिल जाते तो तुम्हारे कितने मसले हल हो जाते। मैं उसे अकेले 5 लाख रुपए हजम करने नहीं दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, हमें उसे पैसे वसूलने के लिए कुछ प्लान करना होगा, अभी उसे इस बात का जिक्र नहीं करना। उसकी सूरत देखते ही मेरा खून खोलने लगेगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। जाकर क्यों बैठ गई हो? लगता है आंटी ने भड़का दिया। अरसल, अब आप प्लीज जाएं। थोड़ी देर के लिए आए थे, अब तो 2 घंटे हो गए हैं। नहीं दिल कर रहा मेरा, तो क्यों जाऊं यहाँ से? थोड़ी नजमा आंटी की फिक्र कर लें, वहाँ मिशेल उनको फजूल में टेंशन दे रही होगी। अरे नहीं उलझेगी मिशेल, नहीं देगी उनको टेंशन। अभी मेरी उससे बात हुई है, वो अभी तक फिरोज अंकल के घर पर है। फिरोज अंकल की कॉल है। अरसल, आप प्लीज उन्हें ये मत बताइएगा कि आप अभी तक यहीं हैं। हेलो दादी। हाँ आज़र बेटा। आज़र, जरा पता करके बताओ कि नबील खैरियत से पहुंच गया ना? अरे दादी सुबह ही तो गए हैं वो, लंबा सफर है, टाइम लगेगा, पहुंचते ही कॉल कर देंगे। चलो बेटा ठीक है, बस फिकर सी लगी हुई थी। ओ, अगर आप घबरा रही हैं तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। अभी कुछ देर पहले ही हुसना का फोन आया, बहुत सी बातें की, और अजीजा वो भी मेरा बहुत ख्याल रख रही है। हाँ दादी, अजीजा काफी पुरानी और एतबार वाली है, आपको हुसना की कमी महसूस नहीं होने देगी वो, फिक्र मत करें आप। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज दादी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर पर अंकल। किसके घर पर? अपने घर पर अंकल। चलो शुक्र, मैं अस्मा और मिशेल आ रहे थे तुम लोगों की तरफ। ठीक है अंकल, मैं मम्मी से कहता हूँ कि डिनर का अरेंजमेंट कर ले। नहीं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मिशेल खुद बता देगी, उसकी ख्वाहिश है कि आज हम सब डिनर पे जाएं। ठीक है अंकल। ओके। मारे गए। अरसल आखिर बताएं तो सही, हुआ क्या है? बस कुछ ना पूछो। हेलो मम्मी, कब से कॉल मिला रहा हूँ, लगातार लाइन बिजी जा रही है आपकी। अरे भाई वो मिसेज हमदानी की कॉल आ गई थी, तो पता ना वो फिर जान नहीं छोड़ती। थैंक गॉड। मम्मी मेरी तरफ से अपनी दोस्त का भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, बड़ी आफत से बचा लिया उन्होंने। क्या मतलब? मम्मी अभी यकीनन मिशेल भी आपको कॉल कर रही होगी, लेकिन आप उसे मत बताइएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं फौरन पहुँच रहा हूँ, तफसील बाद में बताऊँगा। लेकिन अरसल, बच गए शहजा,
फिरोज अंकल, असमा आंटी और मिशेल मेरे घर पहुंच रहे हैं। मैं निकलता हूँ, कल आऊंगा। टेक केयर, बाय। अरसफ बेटा, खैरियत है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आंटी मुझे थोड़ी जल्दी है, शिजा सब बता देगी। शिजा, ये अरसल इतना घबराया हुआ कहाँ गया है? अम्मी, फिरोज चचा की कॉल आई थी कुछ देर पहले। अरसल ने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपने घर पर हैं, और मिशेल से भी यही कहा था। अब फिरोज चचा, चची और मिशेल उनके घर खाने पे जा रहे हैं, बस इसीलिए वो। बस कर दो, वरना मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। लेकिन किस बात पर अम्मी? वाह रे तुम्हारी मासूमियत, वो मिशेल और फिरोज के डर से घबरा कर ऐसे भाग गए कि जैसे तुम उसकी बीवी नहीं हो। मैं हरगिज़ उसे इस तरह से छुप छुप कर तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, मैंने उनसे खुद कहा था ये कहने के लिए। मैंने उनसे कहा था कि वो मिशेल को अगर बताएंगे अपने यहाँ आने का, तो मैं उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर लूंगी। तुम करती रहो मिशेल की फिक्र, लेकिन मैं तुम्हें एक बाइज्जत जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर मैं तुम्हें खुला दिलवाने का हक भी रखती हूँ। क्योंकि मैं उसे आपके दिल से निकालना चाहती, हर टाइम उसकी बातें, हर टाइम उससे हमदर्दी, कभी तो मुकम्मल तौर पे मेरे बन जाया करें। तुम खुद ही अपने बातों से, अपने रवैयों से मुझे खुद से दूर कर रही हो। दिल घबराता है मेरा तुम्हारे पास आते हुए।